अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मज़ेदार सी वेजिटेबल चिकन मैक्रोनी। और ये कैसे बनेगी, इसकी तरकीब क्या है, ये जानेंगे मम्मा से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो सा हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है, हमने 2 से 3 अदद कैप्सिकम जो शिमला मिर्च ली है और किस शेप में उसको काट लिया है ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी जिस शेप में चाहे वो काट सकते हैं। यहाँ पर बंद गोभी है, 2 अदद हम लोगों ने टमाटर लिए हैं और ये 4 चीज़ें हैं, दादरी मिर्च, नमक, ज़ीरा और जो सी है लाल मिर्च। ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने हाफ हाफ टेबल स्पून ली हैं और यहाँ पर हम लोगों ने सोया सॉस और चिली सॉस रखी हुई है। इन सब चीज़ों के साथ हम लोग जो सी अपनी आज की मैक्रोनी की रेसिपी उसको बनाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने शुरू करने से पहले जो से हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो मैक्रोनी है उसको हम लोगों ने तैयार करना था। उसको तैयार होने के लिए हम लोगों ने रख दिया चूल्हे पे, मतलब हम लोगों ने पानी डाल दिया और उसको हम लोग वहाँ पर जो सा है वो पका रहे हैं। फिर उसको बॉयल होने के बाद छान कर हम लोग आपके सामने अपनी पूरी रेसिपी को तैयार करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने मैक्रोनी यहाँ पर रखी हुई है और इसको हम लोग जौन सा है वो बॉईल कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार सी जौन सी हमारी मैक्रोनी वेजिटेबल और चिकन मैक्रोनी आज की हम आपके सामने तैयार कर रहे हैं वो कैसे तैयार होंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मैंने ना छोटा सा प्याज हल्का सा ब्राउन करना है, इसमें ना मैं ना फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और टमाटर डालूँगी दोनों 2 वाले, फिर गोभी डालूँगी, फिर इसे भून के थोड़ा सा पका के ना फिर वो सब्जियाँ डालूंगी, मैक्रोनियाँ डाल के ना फिर तैयार हो जाएगी हमारी मैक्रोनी। तो मतलब यहाँ पर अभी हम लोग चिकन जो सा है उसको तैयार कर रहे हैं क्योंकि मैक्रोनियाँ जो सी हैं वो हम लोगों ने बॉईल कर ली हैं और चिकन को तैयार करने के बाद फिर हम सब्जियाँ डालेंगे और लास्ट में फिर मैक्रोनी डालेंगे इसके अंदर। हाँ जी, जरा थोड़ी सी सब्जियाँ हो जाएंगी ना। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने डाले हैं प्याज, वो हमने थोड़ा सा तेल डाल के ना तो वो उबालनी है। ठीक है, वो मैंने दिखा दी अपने व्यूवर्स को, हम लोगों ने जो सी मैक्रोनी है वो बॉईल होने के लिए रख ली थी ताकि जो सा टाइम की वो बचत हो जाए। और साथ ही हम लोगों ने अब ये जो सस्ता है चिकन हम लोगों ने तैयार करना है, इसको हम लोगों ने मसाला बनाना शुरू कर दिया। जी तो व्यूवर्स, अब ये जो सा है हम लोगों ने प्याज लाइट ब्राउन कर ली है। अब मम्मा, आप इसके अंदर चिकन, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ जी, वो मैं ना आपके पड़ जाए। शोर भी हो रहा है, मम्मा ने मेरे दिफा करते हुए जो सा वो ढक्कन है उसको आगे कर दिया ताकि मेरी तरफ छींके ना आए। और अब हम इसको खोलते हैं। हाँ जी, अब मसाला खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अब इसे भूनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, टमाटर भी लहसुन मैंने सब चीज़ें इकट्ठी डाल दी हैं, सब चीज़ें ना भूनी जाएंगी इसमें। अब मम्मा, इसको भूनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे गलने के लिए रखेंगे गोश्त को, मसाले डालेंगे ना इसमें अभी। जी तो अभी बस 5 मिनट हो गए, हम लोगों ने अच्छे से भून लिया है और अब इसके अंदर वो स्पाइसी जो हम लोगों ने वीडियो के शुरू में दिखाए थे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ये ना 5 मिनट भूनती हूँ इसे मसालों को, तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं गलने के लिए रख दूँगी। वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बाकी अपने मसाले आप अपनी मर्जी से बेटा, मैं आपकी बात काट के वो अपने काम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मतलब मकदार पे अगर मतलब आप लोगों ने जितना चिकन लिया है, मतलब हम लोगों ने 1/2 kg लिया है तो आप लोगों ने अगर 1 kg लिया तो इसी मतलब क्वान्टिटी को आप डबल कर लें, अगर कम है तो इसको आप हाफ कर लें मकदार को चीज़ों की। हमने आपको एक आइडिया दे दिया बस, तो आपने जितनी मकदार में बनानी उस हिसाब से आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग पकने के लिए रख देंगे और देखना कि मज़ेदार सी डोसे मैक्रोनी की रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो ये हम लोगों ने पानी अब डाल, हाँ जी मैं डालती हूँ बेटा, बस थोड़ा सा डालना था और ये ना मैं गलने के लिए रख देती हूँ, फिर इसमें ना वो सारी सब्जियाँ डालूंगी। तो भी बट आप लोग दोबारा दिखाते हैं, आप लोगों ने के ही नहीं जाना पूरा देखने। माशाल्लाह देखें, ये भुना लिया अच्छी तरह, ये देखें घी भी छोड़ दिया इसने और टमाटर भी मिक्स हो गए इसमें, बहुत अच्छी तरह भुना गया है। तो अब मैं ना इसमें ना शिमला मिर्चें ना डालती हूँ, ये देखें शिमला मिर्चें डाल, अगर आप चाहें, अगर आपका दिल चाहे और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, गाजर भी, मटर भी, आलू भी, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ें डाली, सिर्फ 2 ही सब्जियाँ डाली हैं। तो अब हम लोग जो बंद गोभी वो भी डाल देंगे। नहीं, 2 मिनट बाद बेटा डालती हूँ अभी,
हाँ जी, ये देखिए मैंने बंद कर दिया। अब इसको हम फिर दम पर लगाएंगे? नहीं नहीं, अभी लाते हैं ना, इसे थोड़ी सी ना गल जाइए ये, तो फिर इसमें ना वो मकरोनी है जो उबाली हुई है वो डाल। ठीक है, और लास्ट में चिली सॉस और सोया सॉस लोग ऐड करें। हाँ जी हाँ जी, मसाला अपनी मर्जी से आप डाल लें, अगर अभी डाल देंगे ना ये खड़ी सी रहेंगी ना सब्जियाँ, गलेंगी नहीं। अब मज़ेदार खुशबू भी आ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने ज़रूर इस मैकरोनी की जोन सी रेसिपी को ट्राई करना है और अपनी फीडबैक देनी है। और आपको दोबारा अब 5 मिनट इसे पका के ना फिर मैकरोनियाँ डाल के ना पा रहे। तो हम लोगों ने लास्ट में मैकरोनी के अंदर शामिल कर दिया। इससे पहले हम लोगों ने जो सा मसाला था चिकन का वो तैयार किया, वेजिटेबल डाली इसके अंदर, और हम लोगों ने मैकरोनियाँ डाल दी हैं। और अब लास्ट में इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करेंगे। पहले इन्हें मिक्स कर लेना। तो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। बड़ा चम्मच हम लोगों ने मतलब कौन सा है चिली सॉस का और सोया सॉस का इसके अंदर शामिल करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद बिल्कुल फाइनल है, बस इसको पकाना है हम लोगों ने 1 से 2 मिनट और फिर उसके बाद जो सी हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल फाइनल, इसका कलर भी बदल गया और जो सा टेस्ट है वो भी डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेना आप लोगों ने, और ये फाइनल जो सी हमारा टच है इसका हम लोगों ने इसको दे दिया है। अब इसे डाल के ना थोड़ा सा पकाते हैं ना 2 मिनट। हमारी मैकरोनियाँ जो सी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, इसको डिश आउट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है चिकन वेजिटेबल मैकरोनी वो फाइनल होगी और हमने आपके सामने इसको डिश आउट कर दिया। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।